नमस्कार, आई एम आनंद एंड ऑल ऑफ यू आर इन द लाइव क्लास ऑफ जॉइन फॉर एडुकेशन। मैं हूं आनंद और आप सभी जॉइन फॉर एडुकेशन के लाइव क्लास में हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ये स्टडी किए थे नाउन के बारे में, टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। मीनिंग या अर्थ के दृष्टि से नाउन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए। टुडे वी शैल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू फॉर्म। आज हम लोग रूप के आधार पर या फॉर्म के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। लोग चाहे तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्म देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। फॉर्म के आधार पर आपका दो प्रकार का नाउन होता है। स्क्रीन विजिबल है, आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, कंफर्म कीजिए। स्क्रीन विजिबल है, एनीबॉडी कोई भी रिप्लाई कीजिए। माइक आप लोग ऑफ रखे हैं। चलिए चलिए ठीक है। या ठीक, तो आज हम लोग जान रहे हैं, नोट भी आप लोग कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू फॉर्म देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। अच्छा चलिए, लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट टाइप। इसका फर्स्ट टाइप्स को हम लोग कंटेबल्स बोलते हैं या कंटेबल नाउन्स बोलते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू फॉर्म इज कंटेबल्स नाउन और ओनली कंटेबल्स। दूसरे प्रकार के नाउन को हम लोग अनकंटेबल्स या अनकंटेबल नाउन्स बोलते हैं। ये दो प्रकार के नाउन होते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म, मतलब रूप की दृष्टि से नाउन दो प्रकार के होते हैं, कंटेबल्स या कंटेबल नाउन, अनकंटेबल्स या अनकंटेबल नाउन्स। एक एक करके थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज द कंटेबल्स और व्हाट इज द कंटेबल नाउन, कंटेबल नाउन होता क्या है। तो लेट्स सी हियर, such nouns which are counted is said to be countable nouns। मतलब वैसे नाउन जिसकी गिनती किया जाता है उसको हम लोग countable nouns बोलते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। such nouns which are counted is said to be countable nouns। वैसे नाउन जिसका गिनती किया जाता है countable nouns कहलाता है। Let's see the usage of the countable noun। countable noun का usage कहाँ पर होता है, ये किस तरह से आता है। तो these nouns are both singular and plural। ऐसे noun singular और plural दोनों ही होते हैं। these nouns are both singular and plural। ऐसे नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होते हैं। लेट्स सी, ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर दीज नाउन। ऐसे नाउन के पहले ए और एन का उपयोग किया जा सकता है। बोलता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर वन टू सम मैनी और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच एवरी इज यूज्ड बिफोर दीज नाउन। ऐसे नाउन्स के पहले एडजेक्टिव ऑफ नंबर जैसे वन टू सम मैनी का उपयोग किया जा सकता है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव
जिसको हम लोग ईच एवरी बोलते हैं, का भी उपयोग किया जा सकता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स, यहाँ कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। और आपका आवाज कट सकती है। वन सेकेंड आई रिपीट, थोड़ा आवाज में वॉइस में प्रॉब्लम था। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहे थे कंटेबल नाउन्स। बोलता है कि वैसे नाउन को कंटेबल्स बोला जाता है जिसका हम लोग काउंटिंग कर सके। तो हम लोग अभी यहाँ पर जानने का प्रयास कर रहे थे कि काउंटेबल नाउन का कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो बोलता है कंटेबल नाउन के पहले आप ए और एन का उपयोग कर सकते हैं। ये कर्सर देखिए, ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर दीज नाउन्स। बोलता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जैसे वन टू सम मैनी, दीज आर द एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं कंटेबल नाउन्स से पहले। या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग ईच एवरी, ईच और एवरी जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इसका भी उपयोग आप कंटेबल नाउन से पहले कर सकते हैं। तो लेट्स सी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे वन बुक, ये बुक जो है आपका कंटेबल नाउन है और वन का यूज किया गया है, मतलब वन क्या है आपका तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ईच बुक ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो आपका कंटेबल नाउन के पहले हम लोग वन, ईच, ए, एन का यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंटेबल नाउन। कंटेबल नाउन दो प्रकार के हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज द कॉमन नाउन एंड सेकेंड वन इज द कलेक्टिव नाउन। तो आपका कंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग में से कोई बोलिए स्क्रीन। हाँ, कितने प्रकार के होते हैं कंटेबल नाउन? नाम बताइए जी, नाम बताइए। पहला क्या है, ये देखिए यहाँ दिख रहा है वन में कॉमन नाउन, और दूसरा आपका है कलेक्टिव नाउन। एक बार इसको कोई रीड कर दीजिए, कंटेबल नाउन्स के नीचे जो लिखा हुआ है उसको रीड कीजिए। कंटेबल नाउन्स के जो नीचे लिखा है उसको, जी जी, सच नाउन्स व्हिच आर कनेक्टेड दिस सेट टू बी कंटेबल नाउन्स, दिस नाउन्स आर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर दिस नाउन्स, adjective of number, one, two, some, many, of distributive adjective, each, every is used before these nouns. Such as one book, each book, etc. These are two types of countable nouns. आशिका आप भी पढ़िए। सच नाउन्स व्हिच आर कंटेस्ट इज सेड टू बी कंप्लीट नाउन्स एंड कंटेबल नाउन्स। कंटेबल नाउन्स, दिस नाउन्स आर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर दिस नाउन्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वन, टू, सम, मैनी और Distributive. Adjective. Every is used before these nouns such as. और दिखा है कि नहीं, one book, each book, etc. There are two types of countable noun. कॉमन नाउन एंड कंटेबल। पर इस सचेज के बाद तो नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। सचेज के बाद कुछ नहीं दिख रहा है, दिखना तो चाहिए। सचेज, वन बुक, ईच बुक, एटसेट्रा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंटेबल नाउन। नहीं दिख रहा है। चलिए अब दिख रहा है, यस सर दिख रहा। चलिए पढ़िए। Such as one book, each book, etc.
there are two types of countable nouns, common noun, collective noun. अच्छा यदि आप लोग से पूछा जाए, if anybody asked anyone of you, कि how many types of countable nouns, countable noun कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका reply क्या होगा? दो प्रकार के. अगर उनका नाम पूछा जाए, what are the name of these two types? Common noun or collective noun. Yeah, very good. Common noun and collective noun. Collective noun. So if anybody asks you, what do you mean by countable nouns? अगर आपसे कोई पूछे कि आप countable noun से क्या समझते हैं, then what will be your reply? तो आपका reply क्या हो जाएगा? Such nouns which are counted, वैसे noun जिसकी गिनती किया जाता है, जिसको हम लोग गिन सके, है ना, उसको हम लोग countable noun बोलेंगे. If anybody asks, यदि आप लोग से पूछता है कोई कि a और n का उपयोग countable noun के पहले किया जाता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है. चलिए ठीक है. अगर बोला जाए कि adjective of number का यूज countable noun के बाद में किया जाता है, is this correct or incorrect? Incorrect हो जाएगा, क्योंकि adjective of number का यूज हम लोग आगे करते हैं, countable noun से पहले करते हैं. तो ये सारी जानकारियां होनी चाहिए, जब आप प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे तो इसी से रिलेटेड कुछ वहां पर क्वेश्चंस रहेगा, या तो पहले आपका countable noun के बाद में लगा देगा adjective of number. तो अगर आपको ये कंसेप्ट ठीक ठाक रहेगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि नहीं, यहाँ तो गलत हो गया, क्योंकि countable noun के बाद में लगा दिया गया. जैसे book one, book each, करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा? book one करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वन जो है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, हाँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और हमको पता है एडजेक्टिव ऑफ, सो दिस इज इनकरेक्ट, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं इसको. ये देखिए क्या लिखा हुआ है सर, हल्का सा दिखाइए तो वो हमको लिखना. अच्छा चलिए ठीक है, इसको हम मैं शेयर भी कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, इसका मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, फिर भी आप ले लीजिए, थोड़ा मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम. दिख रहा है सर? दिख रहा है ना? हो भी गया. चलिए इसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, हो सके तो ये यूट्यूब में आ भी जाएगा, वहाँ भी देख लीजिएगा. तो अभी हम लोग कंटेबल नाउन को समझ गए, इससे रिलेटेड भी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन भी किए, उसको भी समझ गए. अब हम लोग अनकंटेबल नाउन्स को थोड़ा सा जान लेते हैं, जो आज का टॉपिक में हमको पढ़ना भी है. स्क्रीन दिख रहा है? चलिए रीड दिस वन, अनकंटेबल नाउन. तो अनकंटेबल नाउन के बारे में बोलता है, वैसे नाउन जिसका गिनती नहीं किया जाता है. ठीक है, पहले हम लोग पढ़े थे countable noun, वैसे नाउन जिसका गिनती किया जाता है. अभी आपके पास वैसा नाउन आ गया जिसका गिनती नहीं किया जाता है. तो such nouns which are not counted is said to be uncountable noun. These noun are singular. अभी इससे पहले जो countable noun हम लोग पढ़े थे वो दोनों ही होता है, सिंगुलर और प्लुरल, लेकिन ये केवल सिंगुलर ही होता है. ए और एन का उपयोग ऐसे नाउन के पहले नहीं किया जाता है. अभी हम लोग पढ़े थे countable noun में ए और एन का यूज countable noun के पहले किया जाता है, बट ए एंड एन आर नॉट यूज बिफोर दीज नाउन्स, इट मीन्स दैट uncountable nouns. Adjective of quantity, some, any, a lot of का यूज किया जाता है uncountable noun के पहले. अभी हम लोग पढ़े थे adjective of numbers
का यूज किया जाता है countable noun के पहले, लेकिन uncountable noun के पहले some, any, a lot of and all of these are the adjective of quantity is used before uncountable noun. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एग्जांपल से यहाँ पर है, देख लीजिए, जैसे सम मिल्क, सम सुगर, ए लॉट ऑफ मिल्क, नॉट एनी मिल्क. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अनकंटेबल नाउन. अनकंटेबल नाउन तीन प्रकार के होते हैं. लेट्स सी व्हाट आर दी थ्री टाइप्स. प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अनकंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं. तीन प्रकार के, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, तो हमको लगता है कि इसको समझने में आप लोग को कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ होगा. बिल्कुल, ये कंटेबल और अनकंटेबल जो है एक दूसरे के उल्टा चल रहा है. जहाँ पर कंटेबल में जिसका जिसका उपयोग होता है, अनकंटेबल में उसका उपयोग नहीं होता है. अनकंटेबल का क्वांटिटी होता है और कंटेबल का नंबर होता है. तो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज होता है और कंटेबल में एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज होता है, और वो भी पहले होता है. अनकंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, जबकि आपका कंटेबल नाउन जो है प्लूरल होता है, और सिंगुलर दोनों होता है. तो दिस इज द सिंपल स्टोरी अबाउट द कंटेबल एंड अनकंटेबल नाउन. यही एक छोटा सा कहानी था कंटेबल और अनकंटेबल नाउन का. एक बार फिर से क्लास, हाँ हाँ लिखिए, लिख लीजिए. अनकंटेबल नाउन वैसे नाउन जिसकी गिनती नहीं किया जाता है. ये नाउन सिंगुलर में ही होते हैं. ऐसे नाउन के पहले ए और एन का उपयोग नहीं होता है. ऐसे नाउन के पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सम, एनी, ए लॉट ऑफ का यूज होता है. ऐसे नाउन के पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, एवरी का भी उपयोग नहीं होता है. इज नॉट यूज बिफोर दिज नाउन. ठीक है, एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज नहीं होता है. इसका कुछ एग्जांपल यहाँ पर है. सर, इसमें सम, सर, हाँ बोलिए सर, ये जो सम एनी ए लॉट ऑफ लिखे हुआ है इसमें यूज होगा जी. और कुछ जो भी क्वांटिटी में आ जाएगा यूज हो जाएगा. इसमें कुछ एग्जांपल केवल डाल दिए हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में जो जो वर्ड आएगा उसका यूज बिफोर द अनकंटेबल नाउन होगा. यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच और एवरी का यूज, ईच और एवरी का यूज नहीं होगा अनकंटेबल नाउन के पहले. ठीक है, केवल ईच और एवरी का यूज कंटेबल नाउन के पहले होगा. अगर आप लोग से पूछा जाए कि भाई आप अनकंटेबल नाउन से क्या समझते हैं, तो आपका क्या रिप्लाई होगा? टीचर क्या बोलेगा, फिर से बोलिए. अनकंटेबल नाउन से आप क्या समझते हैं? जिसका गिनती हम नहीं कर सकते वो अनकंटेबल नाउन है. वाह वाह, वेरी गुड, दिस इज एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर. ये करेक्ट आंसर है. क्या अनकंटेबल नाउन प्लूरल में होता है? नहीं, सिंगुलर में होता है. सिंगुलर में होता है, चलिए ये भी आप बिल्कुल समझ गए. क्या ए और एड का उपयोग इन अनकंटेबल नाउन के पहले किया जा सकता है? नहीं, नहीं. क्या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच और एवरी का यूज अनकंटेबल नाउन के पहले किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है. कंटेबल नाउन के पहले ईच और एवरी का यूज होता है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का यूज होता है?
अनकाउंटेबल नाउन के पहले केवल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज होता है, जैसे सम, एनी, ए लॉट ऑफ। अनकाउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार का होता है। चलिए तो हम लोग लगभग इसको एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे से। देखिए पहला है अकॉर्डिंग टू फॉर्म, कितने प्रकार के नाउन होते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म? दो प्रकार का। पहला क्या होता है? पहला काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। चलिए ठीक है, काउंटेबल नाउन हम लोग किसको बोलते हैं? काउंटेबल नाउन जिसको हम गिनती कर सकते हैं। चलिए कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन। चलिए काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल होता है क्या? ए और एन का यूज कर सकते हैं? यस सर। कहाँ पर, काउंटेबल नाउन के पहले की बाद में? पहले ठीक है, काउंटेबल नाउन के पहले। एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर 1 2 सम मेनी या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बीच एवरी का उपयोग काउंटेबल नाउन के साथ हो सकता है? हो सकता। कहां पर, पीछे की आगे? पीछे की आगे, आगे सर। चलिए बिफोर। चलिए ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल था। कितने प्रकार के काउंटेबल नाउन्स होते हैं? दो प्रकार का। क्या क्या नाम है? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। चलिए ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन से आप क्या समझते हैं? जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। चलिए ठीक है, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। चलिए ठीक है, ये कैसा होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है? बहुत सेंसिटिव मतलब। चलिए ठीक है, ए और एन का यूज किया जा सकता है क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज किया जा सकता है? किया जा सकता है। सम, एनी, ए लॉट ऑफ, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, इसका यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ईच और एवरी का यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ईच और एवरी का यूज यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज होगा। कुछ एग्जांपल यहाँ पर है जो ऑलरेडी इसका डिस्कस कर चुके हैं। अनकाउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। नाम बताइए। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्जेक्ट। चलिए ठीक है, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज के कक्षा में इतना ही था। थैंक्स टू वॉच, होप दैट दिस क्लास विल बी यूजफुल। आप लोगों के लिए ये कक्षा उपयोगी होगा, हो सके तो इसको मैं YouTube में भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ भी देख लीजिएगा। हो सके तो हम इसका PDF भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ भी देख लीजिएगा। एक बार में समझ में नहीं आता है, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, और इसको उस समय तक देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है। देखने के बाद भी यदि समझ में नहीं आता है तो फिर से बोलिए, फिर से समझाएंगे। लेकिन समझना है, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक प्रतियोगिता परीक्षा में इससे संबंधित जो प्रश्न पूछेगा उसको हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो Once again, I thanks to both of you. एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े और एक घंटा का इस क्लास में रहे, और hope that ये क्लास आप लोग के लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट क्लास में फिर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और कुछ नाउन का टॉपिक में ही स्टडी करेंगे।